इस चैम्पियन ट्रॉफी को बॉयकॉट कर दिया क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पीसीबी सी हो जाएगा दूसरे क्रिकेट बोर्ड को नुकसान जरूर होगा पर पीसीबी सड़क पे आ जाएगा और पी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि दो महीने भी चैम्पियन ट्रॉफी अगर नहीं तो पी को चला सके और अपने जो प्लेयर है उनकी सैलरी भी दे सके और पीसीबी ने स्टेडियम पे इतना खर्चा कर दिया तो पीसीबी का कोई जिससे पैसा भी नहीं बचा और अगर ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो गया और आईसीसी से पीसीबी ने बॉयकॉट कर दिया तो पैसे आने के भी कोई चांसेस नहीं है तो पीसीबी पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी से अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट की तो पाक मीडिया इस पर बातचीत दोस्तों ये वीडियो बॉडी में से डाले पूरा शरीर नगर की वीडियो दिखता है चल रहा है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाती है और पाकिस्तान या चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा भूखा मरेगा क्रिकेट बोर्ड में पैसे नहीं होंगे खिलाड़ियों को देने के लिए आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो ना खेले नहीं, लेकिन आपके पास दो माह बात के पैसे नहीं है क्रिकेट बोर्ड के पास आप एक साल चैंपियंस ट्रॉफी डिले भी बर्दाश्त नहीं कर सकते नहीं। ना खेलना तो दूर की बात नहीं है। नहीं के अंडर 19, अंडर 13, आ... अंडर टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे पैसा नहीं है अरबों रुपए है एक्जैक्टली अरबो रुपए ये सोचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए है ये तामीराती काम चल रहे हैं ये सारे इसी पे लग गए लग गए ना सारे इसी पे लग गए जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हम लोग फिर से अभी यू टर्न लेंगे भाई मनी टॉक्स रेस वॉक्स खत्म हो जाएगा पैसा वॉक देना भाई अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बीस पच्चीस मिलियन भी है मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो क्यों जाने दे पी भाई बीस पच्चीस मिलियन चला जाएगा भाई मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ लोगों को बुरा लगेगा एक मैं बात बता दूँ आपको भाई

पाकिस्तान नहीं लेटा हुआ है सीसीसी लेटी हुई है बेटा सार के अंदर से भी बता रहा हूँ आपको पीसीबी के अंदर भी जो भी सात कंट्रीज खेल रही है ना सात कंट्रीज खेल रही हैं पाकिस्तान को भी manfaat कर देते हैं सबको बेनिफिट हो रहा है थ्रू बायलैटरल बीसीसीआई अब बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है जो मेरे पास खबर और इतला है वो ये है कि बात अब फाइनल तक आ चुकी है कि आया क्या पाकिस्तान फाइनल अपने हाथ से निकलने देगा

रेनोवेटिंग um, हाँ, आप देखो देखो पीसीबी के चौदह सौ करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है uh, एक गड्ढे खोद दिए गए सेवेंटी परसेंट ऑलमोस्ट ग्राउंड खत्म भी हो चुकी है अब तो अंदर की रेनोवेशन भी होना शुरू चुकी। हो चुकी है काफी जगहों की सो दैट इज ऑन ट्रैक लेकिन देखते हैं कि अब ये ऊट किस करवट बैठे चलो तो दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं तो पाकिस्तानी मीडिया सही कहा कि पीसीबी ने ट्रॉफी पेट और कुछ को जैसे बनाने के लिए। वो स्टेडियम इतने घटिया थे कि उन्हें फिर से तोड़ के पूरा नया बनाना पड़ा तो इसमें पीसीबी के इतने पैसे लग गए की पीसीबी के पास कोई पैसा नहीं बचा और उनका ये सोचा कि चैंपियन ट्रॉफी से वो इतना पैसा कमा लेंगे कि ये जो खर्चा हुआ ये रिकवर हो गया कुछ प्रॉफिट होगा इसीलिए भी वो भारत के आने पे सारा जोर दे रहे है कि उन्हें पता ही कि भारत और पाकिस्तान के मैच में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा तो इसीलिए भी पीसीबी भी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि चौदह करोड़ पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि स्टेडियम रेनोवेट और दूसरी चीज़ों में चौदह करोड़ लग चुके हैं तो अगर चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हुई तो चौदह सौ करोड़ पीसीबी सी कहाँ से देगा या कहाँ से ये वसूलेगा दूसरे क्रिकेट बोर्ड भारत से सीरीज खेल के पैसा कमा लेते हैं पाकिस्तान का वो भी उसके पास वो मौका नहीं है तो पीसीबी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा अगर चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान शिफ्ट होगी या पाकिस्तान ने अपने ईगो के चक्कर में चैंपियन ट्रॉफी को बॉयकआउट किया क्योंकि पीसीबी के पास पैसे कमाने के और कोई तरीका नहीं है सिर्फ आईसीसी से जो पैसा आता है उससे पीसीबी चलता है और आईसीसी से अगर दुश्मनी कर ली पीसीबी ने बॉयकॉट करके तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा और पीसीबी दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तानी सरकार के पास पैसे नहीं है चलाने के लिए तो पीसीबी को कहा से देगी तो आखिर में मैं यही कहूंगा पीसीवी ने अगर चैंपियन ट्रॉफी को बॉयकॉट किया तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी और मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली वो कभी रिकवर कर पाएंगे तो चलिए देखते कि फ्यूचर में क्या हो जाए दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत किया पर हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच